अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो व्यूअर, बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने जो है करियर खोलने स्टार्ट कर दिए। तो इसके पहले हम लोगों ने पहले भूम वगैरह खोले, तो हमारे 220 टन करियर भी आ चुकी थी। उसके साथ फिर उसके हम जो है वेट वगैरह उतार के हम लोगों ने करियर खोलने स्टार्ट कर दी। तो बाकी व्यूअर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फिर चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो अभी बार हम लोग ने पहले पहले जो है ना जो बड़ा बूम था, उस बूम को हम लोग ने नीचे लेटाया। उसके बाद जो है फिर उसके एक एक पीस खोलने लगे हम लोग। तो हम लोग ने पहले उसके जो है ना पहले पीस मतलब कि एक एक अलग किए। ये हमारे उस्ताद फैसल साहब है तो ये 220 टन क्रेन के ऑपरेटर हैं माशाल्लाह से, मतलब कि धड़ल्ले के ऑपरेटर हैं, मतलब कि अच्छे वाले ऑपरेटर हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब कि 2006 या 2007 से काम कर रहे हैं अभी तक जो है ना पैरागोन में, सबसे पुराने ऑपरेटर। इनका नाम है सर फैसल। तो ये 220 टन क्रेन ऑपरेट अब क्रेन को ऑपरेट करते हैं। क्योंकि तो जैसे कि देख रहे हैं जो हम लोग ने पहला बूम जो है ना खोल के नीचे कर लिया, अब दूसरा बूम डाउन कर रहे हैं। तो इसको हरिया करके फिर इसको खोलना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो व्यूअर मतलब कि हमें जो है ना फिर आज ही 2-3 दिन, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ अपडेट करने में, क्योंकि हम लोग जो है ना फिर करेरे खोल रहे थे और सुबह 8 से लेकर रात को 10 का टाइम हो जाता था, कभी 11 का, कभी 12 का। कल तो जो है ना कल के दिन में मुझे ये हो गया था, रात के कोई 3 बज गए थे। मतलब क्रेन खोलने में जो है ना क्रेन को जितना जल्द फारिग होगी तो उसके बाद हम लोग जो है ना अपने फिर अगला काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्रेन जो है ना क्रेन हम लोगों ने खोला, बाकी जैसे कि देख रहे हैं क्रेन मतलब पूरे स्टेडियम में जो है ना फिर जगह ही नहीं है कुछ आइटम वगैरह मंगाने की या दूसरा काम करने की। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही मिशन बनाया था कि भाई इस क्रेन खोलेंगे, एक एक पीस खोल के इनके जो है ना साथ में लोडर वो आएंगे, मतलब के ट्राले वगैरह तो लोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे उस्ताद सती है, इनका नाम सती पता नहीं आगे पूरा नाम नहीं पता, पर इसे हम उस्ताद सती बताते हैं प्यार से। तो ये भी मतलब कि काफ़ी पुराने ऑपरेटर हैं 1947 के ऐसे समझो। तो बाकी ये झूला निकाला हम लोगों ने, बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ये झूला डाउन कर रहे हैं और बूम डाउन हो रहा है। झूला बूम डाउन हो गया, उसके बाद जो है उसकी जो ऊपर गायें होती है मतलब कि जो बूम को मतलब कि टाइट करके रखती हैं कि बूम नीचे ना जाए डाउन ना हो, तो वो गायें खोल रहे हैं। तो उसको जो है फिर लपेट रहे हैं साथ में हरिया करके, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ये हमारे भाई साहब हैं नीचे, हाफिज़ साहब खड़े हैं जो 450 टन क्रेन के हेल्पर भी हैं और ऑपरेटर भी हैं, मतलब कि तो वैसे तो हेल्पर है पर क्रेन ऑपरेट भी करते रहे काफ़ी टाइम तक जो है ना, मतलब कि माशा से अच्छे ऑपरेटर हैं ये भी। तो फिर ऑपरेटर बन रहे हैं, मतलब कंप्लीट बने नहीं हैं, बाकी उस्ताद से छुट्टी लेना बाकी। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ये हमारे जो है ना सारे भूम हम लोगों ने अलग अलग कर दिए। तो ये नीचे झूला भी आ चुका है, उसके बाद फिर जो रस्से हम लोगों ने इकट्ठे किए, सबसे मुश्किल काम था मतलब कि ये रस्से जो है ना ड्रम से निकाल के उसको इनके ऊपर चढ़ाना, मतलब कि ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब कि सही सलामत से ये काम जो है ना किया। तो मतलब कि इस काम मतलब इस क्रेन को खोलने में हमें लग गए थे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 7 दिन लगे थे, तो अभी इसे फिट करने में हमें जो है ना आज 5वां दिन है, फिट करने में हमें यही हफ्ता लगा था। तो अभी खोलते हुए भी 5 दिन लग चुके हैं, मतलब कि इसे जो है ना खोलने में और फिट करने में भी जलाला थे। और दूसरी जो होती है ना मैकेनिकल, वो जो है ना दूसरी ऑटो जो होती है वो इजी होती है, जो मोबाइल क्रेन होती है ना वो इजी होती है, वो सिंपली फिट हो जाती है। बाकी ये साइड पे जो है ना बाहर की साइड पे जो है ना रैम्प की जगह पे वहाँ पर रोलर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना फिर मतलब के रैम्प बनेगा। बाकी ट्राले भी आ चुके हैं, फिर हम लोग ट्राले पे मतलब के माल वगैरह लोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम लोग खोलते जा रहे हैं तो साथ में जो है ना क्रेन को यहाँ से बाहर निकालते जा रहे हैं। बाकी जैसे कि देख रहे हैं मतलब कि पूरे स्टेडियम में जो है ना क्रेन खिल रही पड़ी है, मतलब कि पूरे स्टेडियम में क्रेन पड़ी हुई है, उसके पीस पड़े हुए हैं पूरे स्टेडियम में। बाकी ये मेरे बड़े भाई हैं शहजाद साहब, तो ये मेहनत कर रहे हैं भाई क्रेन खोलने में तो इसके जो ना रिंगर के जो बोल्ट थे ना, मतलब कि वो जब हम लोग टाइट किए थे इतने टाइट नहीं थे, जो जब खोलने की बारी है तो मतलब कि बहुत टाइम किया, मतलब कि पूरा 12-14 घंटे लगे खोलने में, बहुत टाइम लगा खोलने में। तो वो भी ऐसे ही नहीं खोल रहे थे, मतलब कि सट्टे मार मार हैम्पर लगा लगा के मतलब कि बहुत टाइम किया उन्होंने। बाकी फिर हम लोगों ने इनका रिंगर वगैरह खोला तो वेट वगैरह उतार दिए,
उसके बाद रिंगर खोला, ये भाई साहब लगे हुए थे, भाई साहब ने सरकार खोल दिया ये। तो मतलब कि सब लड़कों ने मेहनत की। उसके बाद जो है फिर जैसे ही हम लोग जैसे मतलब कि फ्री होते गए, उसके बाद जो है ट्रालों पे लोड करते गए ये अपने जो बूम वगैरह थे उठा के। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप, 200 टन क्रेन उठा रही है तो ये ऊपर रख रही है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। तो वो साहब फैसला इशारा कर रहे हैं ऊपर से, कहते हैं कि भाई इधर से रस्सा पकड़ो नहीं तो ये घूम जाएगा। तो हम लोगों ने भूम उम सभी उठा लिया है, ज़मीन से ऊपर हो गया। बाकी वो ट्राला जैसे कि देख रहे हैं आप दूसरी साइड पे, वो ट्राला आगे जा रहा है। तो पहले ट्रालों पे हम लोगों ने मतलब कि एक एक या दो दो वेट रखे ऊपर। हाँ, दो दो वेट रखने के बाद जो है ना फिर हम उनके ऊपर बत्ते लगा के फिर हम लोगों ने ये पीस रखे। तो मतलब कि 4 दिन हो गए हमें ख्वार होते हुए। तो रात के कभी 10 बज रहे, कभी 9 बज रहे। तो काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि यार वीडियो नहीं है क्या अपलोड की। भाई वीडियो अपलोड कहाँ से करूँ मैं, रात के जब 10-11 बज जाते ना उसके बाद जो है ना मोबाइल यूज़ करने को दिल ही नहीं करता। तो दिन में वो भी जो 1-2 मिनट मिलते हैं उसमें मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ। तो अपलोड करने का जो है ना टाइम नहीं मिलता, उसके लिए टाइम चाहिए होता है मुझे रात को। फिर एडिटिंग वो भी थंबनेल वगैरह बनाने के लिए शाम को टाइम चाहिए होता है। तो अपने पास भाई इतना टाइम नहीं होता, मजदूर बंदे भाई दिहाड़ीदार, ठीक है ना। तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है भाई। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग नीचे रस्से रखे हुए हैं, ऊपर जो है ना फिर बैठू वहाँ पर आओ, ऊपर हम लोग भूम रख रहे हैं मतलब कि एक एक पीस करके। इसके ट्राले मेरे ख्याल से आए थे 6 एक दिन में निकले थे और 6 दूसरे दिन, 3 और आए थे 4। तो ये टोटल ट्राले हो चुके हैं मेरे ख्याल से टोटल 6 6 12 15 16 16 17 ट्रालों पे ये लोड होकर गई है हमारी 450 टन क्रेन 16 17 ट्रालों पे। मतलब कि फिर आप खुद अंदाज़ा लगेंगे कि भाई ये इस पे जो ना कितना मतलब कि ये हैवी मशीन थी। तो इसके खुद के जो वेट थे वो कुछ 10 12 वेट थे, वो भी जो है ना 12 12 टन के, 14 14 टन के, मतलब कि 15 15 लास्ट 15 टन तक ही थे इसके। 10 वेट वो थे, 10 12 वेट थे। तो वो हम लोगों ने पहले पहले ट्रॉले के नीचे रखे, उसके ऊपर जो है फिर हम लोग भूम रखना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग हाफिज़ साहब हरिया करा रहे हैं भूम को। उसके बाद रही बात यार ब्लीचरों की एंड मतलब के फ्रंट वालों की, टू स्टैंड के। तो पहले जो हमारे जो मतलब के 2A के जो ब्लीचर रहते थे हम लोग पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग वो 2 स्टैंड की जो है फ्रंट वाले लगाएंगे। मतलब कि जो ब्लीचर हमारे रहते थे बैक साइड के जो है ना, बैक साइड गेट पे जो रहते थे ना नुक्कड़ में, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ऊपर फ्रंट वाले लगाने स्टार्ट कर देंगे। बस ऐसे समझो कि यार यही 3 दिन है, 3 दिन में हम जो है ना हमारा ग्राउंड जो है ना सफ़ा हो जाएगा। राफी क्रिकेट स्टेडियम का ग्राउंड सफ़ा होने के बाद फिर हम लोग जो है ना वहाँ पर अपना जो है ना फिर बाहर से आइटम वगैरह मंगाना शुरू कर देंगे। तो फिर 220 क्रेन जो है ना यहीं पर फिट कर देंगे, जहाँ पर 450 टन क्रेन लगी हुई थी ना हमारी। ये क्रेन निकालने के बाद यहीं पे हम लोग 200